और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेरी वीडियो पे आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद हो कि हमने इंडिया को फाइनली वर्ल्ड कप में जो है वो शिकस्त दे दी है। और आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान का जो आज मैच है वो न्यूजीलैंड के साथ है, और वो न्यूजीलैंड जिसको पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा न्यूजीलैंड का साथ दिया है। ऐसी टीम कि अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती थी तो पाकिस्तानी जो थे वो दो ही टीमों को सपोर्ट करते थे, या तो वो न्यूजीलैंड थी या वेस्ट इंडीज़। लेकिन न्यूजीलैंड ने जो है वो मुनाफ़त दिखाई है और आज हमारा उनके साथ मैच है, तो हमें आज उस मुनाफ़त का जो है वो बदला लेना है और हमें आज भी अपनी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना है। और जिस तरह इंडिया को इंडिया के मैच के खिलाफ सपोर्ट किया है उससे ज़्यादा शिद्दत से सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारी 18 साल की मेहनत को जो है इन्होंने रायगा किया है, एक पल से इधर रह के खेल के जी हमें जो है वो सिक्योरिटी के हथियार हैं। इतना बेवकूफ़ तो कोई नहीं होता, ठीक है? सो चलते हैं और आगे दिखाते हैं। मैंने कहा जी मैच खेल रहे हैं लड़के, तो आपके साथ ये भी थोड़ा सा शेयर कर दिया जाए। ये है जी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, ठीक है? और जो लोग पाकिस्तान को बातें करते हैं वो देख लें। चले चलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ। जो दुश्मन होता है ना वो मुनाफिक से अच्छा होता है, ठीक है? इस बात का वो समझ आ रही है। इंडिया जो है वो दुश्मन है हमारा इस चीज़ का, तो हमें जो है वो क्या उसे कहते हैं कोई शक नहीं है। लेकिन जो न्यूजीलैंड ने हमारे साथ किया है मुनाफिक की है। दुश्मनी जो होती है ना, दुश्मन बंदे से दोस्ती हो सकती है लेकिन मुनाफिक बंदे से दोस्ती नहीं हो सकती, और आज हमें न्यूजीलैंड को उसकी मुनाफ़त का जो है वो जवाब देना, और पाकिस्तान इंशाल्लाह 2021 का वर्ल्ड कप जो है वो जीत के आएगा और लोगों को बताएगा और उन टीमों को जवाब देगा जिन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया। होप सो कि आपको हमारी ये वीडियो जो है वो अच्छी लगे, और भाई के चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में सपोर्ट करते रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।